हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो। तो गाइस, अभी चिकी में एक नई अपडेट आई है जिसके बाद से हमें ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो भाई, अभी हमें अपनी गेम को स्टार्ट करने के लिए 5 ऐड देखने होंगे और ये 24 घंटों तक चलेंगे। जैसे मैं अभी 5 ऐड देखता हूँ और गेम को स्टार्ट कर लेता हूँ, 24 घंटों के बाद मुझे दोबारा से 5 ऐड देखने पड़ेंगे, उसके बाद मेरी गेम जो है स्टार्ट होगी। तो हर रोज हमें 5 ऐड देखने होंगे, उसके बाद हमारी गेम स्टार्ट होगी। और भाई, कभी कभी तो ये ऐड चलते ही नहीं है, इन पर क्लिक करते रहो, ये ऐड चलते ही नहीं है और ना ही हमारा गेम स्टार्ट होता है। गाइस, आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो गाइस, अभी आप लोगों के पास जो चिकी होगा वो लेटेस्ट वर्जन वाला होगा, तो आपको इसको अनइंस्टॉल कर देना है। गाइस, अगर आप सोच रहे हो कि चिकी को अनइंस्टॉल करने से हमारा गेम जो है दोबारा से स्टार्ट होगा, तो नहीं भाई, आपका गेम जो है वहीं पर ही सेफ रहेगा। चिकी को अनइंस्टॉल करने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो गाइस, अभी आपको ये जो चिकी दिख रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से चिकी एमुलेटर को डाउनलोड कर लेना। मैंने पहले से इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है और इसमें लॉगिन कर लेना। तो गाइस, मैं अभी आप लोगों को GTA 5 प्ले करके दिखा देता हूँ और चेक करते हैं हमारा वो ऐड देखने वाला प्रॉब्लम फिक्स हुआ है या नहीं। तो गाइस, अभी आप लोग देख ही सकते हो मेरा GTA 5 का क्यू जो है आ चुका है, कोई भी ऐड नहीं देखना पड़ा। तो ये थोड़ी देर में GTA 5 जो स्टार्ट भी हो जाएगा। तो ओके गाइस, आज की वाली वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।